भाई भिखारी लग रहा हूँ ना मैं? उस्ताद बड़े कंटास भिखारी लग रहे हो तुम, मुझे बताओ मैं कैसे लग रहा हूँ? तू एकदम भाड़ लग गया। ओ तू एकदम भाड़ लग गया भाड़ू। टाइम बताइए, टाइम कितना हो गया? टाइम हो रहा है 3:35। चलो तो फिर जल्दी से काम पे चलो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये जो शख्स रिक्शा में बैठा है इसकी एक किडनी नहीं है, दो गुर्दे नहीं है, एक पित्त नहीं है और चार मसाने नहीं है, यहाँ तक कि पट कलेजी भी नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा गरीब है, आपके सिवा इसका कोई सहारा नहीं है। तो आप इसकी आटे से, चावल से, काजू बादाम से, सैमसंग के मोबाइल से, स्पार्क की चप्पलों से, नाइक के जूतों से, बीएमडब्ल्यू गाड़ी से, पिज्जा बर्गर से, आईफोन 256 से, 50 रुपए से, 2 लाख रुपए से, 10 लाख रुपए से आप इसकी मदद करें। ये आपको दिल से दुआएं देगा। चल भाई हाथ साफ करके जरा एक फोटो खा दिए फेसबुक पर डालना। हमें भीख न दे रहे? हाँ मैं ही तो दूंगा तुम्हें भीख, इतने हट्टे खट्टे होकर भीख मांग रहा हूँ। भाई साहब ये बात तुम गलत कह रहे हो, हट्टे तो हैं पर खट्टे ना हैं, चाहे तुम चाट के देख लो। हट निकलो ऐसे, चल मोबाइल तो दे दो, निकल जाओ साले ऐसे, भीख मांगने मत आ जियो। अबे बात सुनी जरा, लकी अच्छी खासी मिल रही थी भीख, भर जाती अपनी प्लेट, मगर उस भाड़ू चन्ने आके कर दी कुनेट। कुनेट तो अपनी जिंदगी के साथ हुई है बहुत खूब। उस्ताद मुझे लग रही है बहुत तेज भूख। अरे भूख तुझे ही क्या, भूख तो मुझे भी बहुत लग रही है, बस दिल ये चाह रहा है कहीं ना कहीं से रोटी मिल जावे। देखिए भाई सब्जी पूरी है यार, 2 जनों के हिसाब से कम है। हाँ 2 जनों के हिसाब से तो कम है। हा? ना 10-20 जने खा रहे, मैं ही तो खाऊंगा। उस्ताद इस जैसे 2-3 बंदे और मिल जाएंगे फिर तो हम भूखे मर जाएंगे। नहीं लक्की नहीं, हम भूखे नहीं मरने के हैं। वो कैसे? वो ऐसे, तू ये बता हमारे देश की जनसंख्या कितनी है? 125 करोड़। अब तू खुद ही लगा, 125 करोड़ लोग और लुगाइयों ने हमें एक एक रुपया भी दिया तो कितने रुपए हो गए? उस्ताद पूरे 125 करोड़ हो जाएंगे, फिर तो पूरी दुनिया के नंबर वन भिखारी हम हो जाएंगे। अब क्यों आया तू? भाई साहब मुझे अपनी गलती का बहुत बड़ा एहसास हुआ, मैं आपको भीख देना चाहता हूँ। ला तो फिर जल्दी से 1 रुपया दे। लक्की ना छोड़ा घर ना छोड़ा मकान, साले ने बहुत कर दिया परेशान। ना छोड़े गली ना छोड़े जीती रोड, साले ने परेशान कर दिया बहुत। लक्की एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये परेशान हो जाएगा और उसी दिन पहुंच जाएगा ये कब्रिस्तान, क्योंकि इसे करेंगे हम परेशान। परेशान करना है, चलो तुम अब। कुल्लू मनाली में घूम रहे हैं उल्लू।
नेपाल पहुँचे सोमपाल, भारत में फिर रहे हैं दो इंटरनेशनल भिखारी, ऑनलाइन भीख मांग रहे हैं क्योंकि ये है सरकारी, काले धन और काले धन वालों पे मार रहे हैं छापामारी। इनके एक्शन से खुश होकर सरकार ने बना दिया इन्हें इनकम टैक्स अधिकारी। कहीं यार ये मेरा घर ना जाए, मेरे पास तो वैसे भी काले धन के गोदाम भरे पड़े हैं। जल्दी से सारे चेलों को होशियार कर दूं, कहीं यहीं ना आ जाए। हेलो बग्गा, नोट वाले गोदाम को बंद कर रखना, इनकम टैक्स वाले फिर रहे हैं। कौन हो तुम? ओहो, तो तुम हो इंटरनेशनल भिखारी, मगर तुम यहाँ करने के आए हो? देश में हुआ है ऐसा पहली बार जब किसी भिखारी को मिला हो टैक्स वसूलने का अधिकार, तो हम तेरे यहाँ अपना बहुत ही पुराना कर्ज लेना है जो तूने हमें भीख नहीं दी थी और रेट डालना है। अनस, इन्हें 5-6 लाख रुपए देकर जल्द से जल्द रवाना कर, अगर इन्हें काले धन के बारे में पता लग गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। मुझ गरीब पे कहाँ से आए पैसे, वैसे जब तुम आए हो तो तुम्हें खाली आदमी ने भेजने के हैं। ये लो। ये क्या है? ये मेरी तरफ से आपको 5 लाख रुपए की भेंट है, मैंने तुम्हें बहुत तंग कराना पहले, तो रख लो, तुम रख लो। चाहे तो 5 लाख रुपए दे, चाहे तो 10 लाख रुपए दे, मगर लंगा मोहल्ला ही नहीं। चल वे, जल्दी से इसे एटीएम कार्ड दे। लो तो फिर लो, ऑनलाइन ही ले लो। कितने ले लूं? गरीब आदमी है यार, 5 लाख ही ले ले। अबे यार। अबे क्या हो गया? अबे यार, एटीएम के सारे पैसे मशीन में को आ गए। बस 5 लाख रुपए रोक ले, बाकी एटीएम में को पलट दे। ना जी, एक बार आ गए तो आ गए, अब पलटी ना होंगे। चलो तो फिर तुम सारे रख लो, मगर तुम खुश रहो। ले तो फिर अपना एटीएम कार्ड, हम चलते हैं। अरे अरे रुको तो सही, इसे बैग को कहाँ को लेकर जा रहा हूँ? इसका चार डालेगा अपनी ढूंढिए की दहेज में देगा। चलो तो फिर ले जाओ। तुझसे लिए हैं ये मुट्ठी भर नोट, तेरे दिल पे मारी है हमने गुमचोट, दर्द तुझे अभी नहीं होगा, थोड़ी देर में होगा बहुत। आए बड़े इनकम टैक्स अधिकारी, बस एटीएम के ही तो पैसे गए हैं, जो मेरा काला धन 5,000 करोड़ रुपए रखे हैं वो तो मेरे पास ही हैं। हेलो भाई, अपने गोदाम में इनकम टैक्स वाले ने छापा मार दिया। अबे यार उत्ता, तुमने उनके वहाँ रेट क्यों ना मारी? अबे तू क्यों टेंशन ले रहा है, हमें दुश्मन को तड़पा के मारने में बहुत मजा आता है। हेलो, काम शुरू कर दो। कौन है, कौन हो वे तुम? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से हैं। कपिल भाई, गाड़ी मंगवाओ और सारे खाली करवाओ। तुझसे लिए हैं ये मुट्ठी भर नोट, तेरे दिल पे मारी है हमने गुमचोट, दर्द तुझे भी नहीं होगा, थोड़ी देर में होगा बहुत। पूरा
राजा की राज दुलारी में सर पलंगोटे आड़ा सूं भांग रगड़ के पिया करूं मैं कुंडी सोटे आड़ा सूं। हेलो गाइस, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और यार देखो कमेंट और शेयर करना तो भूल नहीं मत यार। और गाइस यार इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और फेसबुक पेज को भी लाइक करना मत भूलना, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो यार मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय। चलो।